नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचआर जागेंद्र मिश्रा में। 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, भाई बहन के प्रेम का अटूट त्यौहार रक्षाबंधन, जो कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन रक्षाबंधन का यह महापर्व मनाया जाएगा। दोस्तों बता दें कि इस रक्षाबंधन के महापर्व पर इस बार कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। जी हां, जिसके चलते कुछ राशि वाले जातकों के लिए इस रक्षाबंधन में बहुत विशेष लाभ होने वाला है। दोस्तों बता दें कि प्रत्येक भाई तथा बहन इस त्यौहार का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं और पूरे साल उनको प्रतीक्षा रहती है कि कब राखी का त्यौहार आएगा और मेरा भाई मुझसे राखी बंधवाने के लिए आएगा। कई भाई दूर रहते हैं तो उनसे इस समय वो अपनी कीमती समय को निकालकर अपने बहन के पास राखी बंधवाने उनके घर आते हैं, तो वहीं कुछ बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांधती हैं। यानी कि रक्षाबंधन के इस दिन भाई बहन एक दूसरे के रक्षा का वचन लेते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई बहन में इसके अलावा माता पिता के साथ भी निभाया जा सकता है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, तो सबसे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार राजा बलि ने माता लक्ष्मी जी से राखी बंधवा कर मनाया था। इसी प्रकार जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय भी देवराज इंद्र ने इंद्राणी के माध्यम से रक्षा सूक्त बंधवा कर राखी का त्यौहार मनाया था और यह त्यौहार आदि अनादि काल से चला आ रहा है। इस बार रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, कई ग्रहों की युति हो रही है। इस दिन सूर्य, बुध और मंगल की युति भी हो रही, जो कि अपने आप में एक दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण कर रही है। दोस्तों बता दें कि इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वाध सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस दिन बुद्धादित्य राज्यों का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते कुछ विशेष राशि वाले जातकों की अब किस्मत चमकने वाली है। इन राशि वाले जातकों को विशेष रूप से धन के कई अवसर मिलने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि इस दिन का जो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह से लेकर देर रात तक रहेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत बांधती हैं। इस बार की यह जो रक्षाबंधन नाम का यानी त्यौहार है बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रहा है, क्योंकि इस दिन सोमन नामक योग भी निर्मित हो रहा है। इस बार यह महासंयोग रक्षाबंधन के आने से बड़े संयोग बन रहे हैं। बता दें दोस्तों कि भद्रा काल के समय भूलकर भी आप राखी ना बांधें। भद्रा काल का जो समय रहेगा वो 21 तारीख को शाम 6 बजे से लेकर और 22 अगस्त को सुबह 5:37 तक रहेगा। दोस्तों 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में आप रक्षाबंधन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में अपने भाई को एक चौकी के ऊपर बैठाएं और सबसे पहले अपने भाई के मस्तक पर यानी कि माथे पर एक यानी कि रुमाल रखें या फिर टोपी पहना दें। उसके बाद भाई के मस्तक पर तिलक लगाना ना भूले, तिलक जरूर लगाना चाहिए था। उनके सीधे हाथ में दाहिने हाथ में एक नारियल या फिर नारियल का गोला रख दें और दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधना चाहिए। राखी बांधते समय मंत्र आप बोल सकते हैं, जैसे कि ओम जय श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं। इसके बाद राखी बांध दें और फिर अपने भाई को मिठाई खिलावें। भाई की आरती करें तथा भाई अपनी बहन की रक्षा और के लिए कुछ वचन दें और हैसियत के अनुसार अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ उपहार अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार से आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन राखी का जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोस्तों 1:30 से दोपहर यानी कि शाम 3:00 रहेगा। और तीसरा जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 10:30 तक रहेगा। राहु काल का समय शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इस समय आप भूलकर भी राखी ना बांधें। तो दोस्तों इस बार यह 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। दोस्तों 22 अगस्त को एक तो पूर्णिमा तिथि यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी स्वयं बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। दोस्तों बता दें कि इस दिन पूर्णिमा तिथि का पढ़ना, सर्वार्ध सिद्ध योग का पढ़ना, तो वहीं दोस्तों
इस दिन रक्षाबंधन जैसे महाशुभ संयोग में सोमन नामक योग और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग का निर्माण के चलते कुछ विशेष राशि वाले जातकों की किस्मत अब चमकने वाली है। खासकर छह राशियां करोड़पति होने वाली हैं। इन छह राशियों को धन का बड़ा लाभ होने वाला है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि आखिर ये छह राशियां कौन कौन सी है जिनको रक्षाबंधन के दिन विशेष लाभ होने जा रहा है। तो दोस्तों बता दें कि जो सबसे पहली और खुशनसीब राशि आती है दोस्तों बता दें वो है यहाँ पर मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों रक्षाबंधन के इस महापर्व पर आपको कई तरह के आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी में आपको पदोन्नत के साथ साथ सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आपको अभी तक आपके नौकरी में एक नई जॉब मिलने की संभावना नहीं बन पा रही थी, आप बार बार ट्राई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो आपको एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आ सकता है। बॉस और उच्च अधिकारियों का सपोर्ट आपको मिलता नजर आएगा। आपके द्वारा लिया गया निर्णय काफी सराहनीय रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और धन दौलत में वृद्धि करते नजर आएंगे। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों इस महारक्षाबंधन के दिन महालक्ष्मी जी, चूंकि पूर्णिमा तिथि के दिन महालक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और 22 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ साथ पूर्णिमा तिथि यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि भी है, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहने के कारण आपको बहुत लाभ होगा। अब जो दोस्तों अगली यानी दूसरी राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों अब आपकी किस्मत दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती जाएगी और चमकने वाली है। माता लक्ष्मी जी कृपा से अब आपको इस महारक्षाबंधन के महापर्व पर कई सुनहरे मौके मिलेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। रुका व फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। लॉटरी सट्टा में जबरदस्त आपको मुनाफा प्राप्त होता नजर आएगा। बता दें कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपके द्वारा लिया गया निर्णय और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छा साबित होगा। इसमें समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ती नजर आएगी। कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। इसमें आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय काफ़ी सराहनीय रहेगा। समाज के उत्थान के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। समाज में आपको मान सम्मान बढ़ेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगली राशि यानी जो तीसरी राशि आती है दोस्तों बता दें वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों आपको बता दें कि 22 अगस्त को रक्षाबंधन के इस महापर्व पर बहुत सारे शुभ संयोग बनने के कारण माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुकी हैं, जिसके कारण अब इस रक्षाबंधन के दिन विशेष लाभ होने वाला है। यह रक्षाबंधन का महापर्व बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। कई तरह के लाभ मिलेंगे, कई तरह के आपके रुके हुए प्रोजेक्टों पर काम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई पर आपका मन बहुत तेजी से लगेगा। अब जो दोस्तों बता दें जो चौथी राशि आती है वो है यहाँ पर कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकने वाली है। अब आपको कई तरह के बड़े अवसर मिलने वाले हैं। कई तरह के अवसर आपको 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन मिलेंगे, जिसके कारण आपके सारे रुके हुए पेंडिंग काम भी पूरे होने वाले हैं। अगर अभी तक आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही थी तो निश्चित तौर पे आपको सफलता के साथ साथ कई महत्वपूर्ण काम भी बनेंगे जो काफ़ी समय से पेंडिंग थे। विदेश से कोई बहुत महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी। विदेश से कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना बनी हुई है। विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी मिल सकता है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर सेटलमेंट होने का मौका मिलेगा। यात्राएँ हो सकती हैं, यात्राएँ आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगी। अब जो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो पाँचवीं राशि है वो है यहाँ पर दोस्तों मेष राशि। साथी दोस्तों बता दें कि मेष राशि के जातकों इस रक्षाबंधन के महापर्व पर आपको बहुत लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में तेजी आएगी। स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें तो आपको लाभ होगा। आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी शानदार रहेगा। विवाह में देरी हो रही थी तो विवाह के लिए कुछ रिश्तों की बात हो सकती है और इसमें आपको संतान सुख का प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां एक बार फिर से लौट कर आएगी। और अभी तक अगर आप दोनों के बीच में दूरियां थी या फिर खटपिट थोड़ी बहुत होती रहती थी तो जीवन साथी आपको मनाते नजर आएंगे और आपके कार्यक्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान करते नजर आएंगे। तो वहीं लव लाइफ भी आपकी बहुत खूबसूरत रहने वाली है। दोस्तों बता दें कि जो अंतिम और छठवीं राशि आती है दोस्तों वो है यहाँ पर दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों अब आपकी किस्मत भी तेजी से चमकने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन के इस महापर्व पर विशेष लाभ होगा। दोस्तों महापूर्णिमा का पड़ना, कई तरह के राजयोग का पड़ना, जिसके कारण माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि रहेगी, जिससे कि आपको विशेष लाभ होने वाला है। दोस्तों बता दें कि 22 अगस्त को रक्षाबंधन का महापर्व विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपको काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। वहीं
राजनीति में भी आपको लाभ हो सकता है, दोस्तों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, आप कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, बैंक के क्षेत्र से महत्वपूर्ण लोन आपका मंजूर हो सकता है। धन निवेश करने के सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, धन आय में वृद्धि होगी, आय के साथ साथ धन हालांकि खर्च भी होंगे, शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, माता पिता का साथ मिलेगा तो वहीं गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इस दिन अपने भाई बहनों से एक दूसरे का आप जरूर मान सम्मान करें, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाए रखें, साथ ही कुछ उपहार अपनी बहनों को दें और अपनी बहन की रक्षा के लिए भी वचन दें। साथ ही इस दिन बहन को अपने भाई को जो राखी बांध कर जरूर उन्हें कुछ ना कुछ मिठाई के रूप में खिलाना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। तो दोस्तों ये छः राशियाँ रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से करोड़पति होने वाली हैं। इन छः राशियों को धन से मालामाल होने के कई महत्वपूर्ण अवसर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।